Hello students, good afternoon all of you. Today we will learn another natural disaster, tsunami. Here T is silent, okay? So we will call this as tsunami. Due to the volcanic eruption or earthquake. देखो earthquake और volcanic eruption दोनों जो जब होते हैं on the sea floor, ठीक है, तो sea floor पे high oceanic waves आते हैं. They are created on the oceanic एंड द फ्लोर ऑफ द सी. ठीक है, यानी कि जो सी का फ्लोर होता है ना, इस कुछ इस तरह से देखो आपको बता रहे, ये वेव्स है. ठीक है, ये हाई ओशिनिक वेव्स होते हैं. ठीक है, वो बहुत लंबे लंबे वेव्स आते हैं. ठीक है, ऊंचे ऊंचे और लंबे लंबे. दे आर नोन एज सुनामी. इन्हीं को जो है वो सुनामी कहा जाता है. तो देखो जो हमने पहले जो है वो अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन पढ़ा, वो पहले इसलिए पढ़ा ताकि हम जो है वो बाद में सुनामी को और अच्छे से पढ़ सके, क्योंकि जो सुनामी होता है वो वोल्केनिक इरप्शन और अर्थक्वेक दोनों की वजह से होता है, दोनों में से किसी एक की वजह से भी हो सकता है. ठीक है, तो ये कब होता है, जब सी फ्लोर पे हाई ओशनिक वेव्स आते हैं, वेव्स क्रिएट होते हैं, तो उसको सुनामी कहा जाता है. दे आर हाई एंड हैव इन अनइमेजिनेबल लेंथ. ठीक है, आप इमेजिन नहीं कर सकते इतना लेंथ उनका होता है, और काफ़ी हाई यानी ऊंचाई तक जाते हैं. देखो ये हाई ऊँचे जा रहा है, और इनका जो लेंथ होता है वो अनइमेजिनेबल होता है, आप इमेजिन नहीं कर सकते ऐसा. देयर लेंथ इज़ अप्रोक्सीमेटली, अब अप्रोक्सीमेटली बोला गया क्योंकि हम इमेजिन नहीं कर पा रहे, इसलिए हम अप्रोक्सीमेटली बोल रहे हैं कि उनका लेंथ जो होता है वो 700 to 1600 किलोमीटर जितना होता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, बट उससे कम नहीं होगा. 700 से लेके 1600 किलोमीटर के अंदर अंदर उनका होता है, या फिर उससे ज़्यादा हो सकता है, बट ये अप्रोक्सीमेटली जो है वो उनका लेंथ बताया गया है. ठीक है, तो सुनामी का अप्रोक्सीमेट लेंथ कितना होता है बेटा, 700 किलोमीटर्स टू 1600 किलोमीटर्स होता है. दीज वेव्स ट्रैवल विथ अ ग्रेट स्पीड एंड फोर्स. ठीक है, अब ये जो वेव्स होती हैं वो क्या करते हैं, स्पीड के साथ जो है वो ग्रेट स्पीड यानी बहुत ज़्यादा स्पीड होता है इनका, स्पीड के साथ और उसमें काफ़ी ज़्यादा फोर्स भी होता है, तो फोर्स की वजह से वो आगे जाते हैं और स्पीड भी रहता है उनका. बाय द टाइम दे रीच द कोस्ट, यानी कि किनारे पे जब पहुंचती है, दे अटेन ग्रेट हाइट एंड पावर विच कॉजेज अ ग्रेट डील ऑफ डिस्ट्रक्शन इन द कोस्टल रीजन. यानी कि कोस्टल यानी किनारे के जो रीजन्स होते हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, यानी कि मतलब सी बैंक्स, सी के जो बैंक्स पे और फ्लोर पे जो लोग रहते हैं, ठीक है, कोस्टल रीजन पे, तो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं, मतलब दे ग्रेट डील ऑफ डिस्ट्रक्शन इन द कोस्टल रीजन्स अकर. ओके, एंड इसका पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, इस वजह से ऐसा होता है. यानी कि जो है वो, यानी कि सपोज़ यहाँ से जो है वो अर्थक्वेक हुआ है और ये जो वेव्स आ रही है वो स्पीड और फोर्स के साथ यहाँ पे आते आते जो बैंक पे या फ्लोर पे आते आते क्या होंगी, इनकी जो हाइट है वो एकदम से इंक्रीज़ हो जाती है और ये बाहर की तरफ आ जाती है. तो कोस्टल एरियाज, देखो ये कोस्टल रीजन्स जो किनारे पे जो लोग रहते हैं उनमें जो है वो बाढ़ वगैरह आ जाती है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिस्ट्रक्शन क्रिएट करती है इन द कोस्टल रीजन्स. इट वॉज witnessed on, यानी कि witnessed है on the 11th March 2011 in Japan. देखो 2011 में जापान में जो है वो सुनामी आया था, तो ये उसका witness है, आई विटनेस है, ये सुनामी का सीन बताया गया है, ओशनिक वेव्स कि किस तरह से जो है वो सुनामी के ओशनिक वेव्स आते हैं, उसके सीन्स इस तरह से बताए गए. तो इस कुछ इस तरह का जो है सुनामी का जो मतलब आप मतलब जो इंसिडेंट हुआ था वो जापान में हुआ था ऑन 11th March 2011 इन जापान. नाउ स्ट्रॉन्ग एंड विलरिंग मतलब स्ट्रॉन्ग एंड विरलिंग, यानी कि जो मतलब राउंड देखो इस तरह से कुछ राउंडेड जो होते हैं वो विंड्स होते हैं, उसमें हवाएं आती है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है. ऑल्सो क्रिएट बिग एंड स्ट्रॉन्ग वेव्स, वो भी जो है उनकी वजह से भी जो है वो बड़े बड़े और काफ़ी स्ट्रॉन्ग वेव्स क्रिएट होते हैं. सो स्ट्रॉन्ग एंड व्हर्लिंग विंड्स ऑल्सो क्रिएट बिग एंड स्ट्रॉन्ग वेव्स. वंस द स्टॉर्म गेट्स ओवर, जब स्टॉर्म ये जो स्टॉर्म आता है मतलब जो मतलब व्हर्लिंग और स्ट्रॉन्ग विंड्स का जो स्टॉर्म आ रहा है तो ये ओवर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है. दीज वेव्स बिकम टॉल, ये वेव्स और ज़्यादा लंबी हो जाती है, ठीक है, ऊंची हो जाती है, विद अ हाई वेव लेंथ, और इनका वेव लेंथ भी काफ़ी हाई हो जाता है, कुछ इस तरह से यहाँ पे जो सीन में शो किया गया ना कुछ इस तरह से होता है.
वेवलेंथ एंड विच कैन ट्रैवल ग्रेट डिस्टेंसेस। अब देखो उस काफ़ी टॉल है और वेवलेंथ भी हाई है, तो ज़्यादा वेवलेंथ होगा तो वो ग्रेट डिस्टेंस यानी कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस को जो है वो ट्रैवल करेगा, ठीक है। सच वेव्स कॉज अ ग्रेट डील ऑफ डिस्ट्रक्शन इन कोस्टल रीजन। और जितना ज़्यादा डिस्टेंस क्रिएट मतलब ट्रैवल करेंगे, जितने ज़्यादा हाई होंगे, टॉल होंगे वेवलेंथ मतलब वेव्स के, उतने ज़्यादा जो है वो डिस्ट्रक्शन क्रिएट होगा इन द कोस्टल रीजन। Hence they are known as destructive waves, क्योंकि ज़्यादा destruct create करती है in the coastal region, इस वजह से इन waves को जो great distance वाली high wavelength वाली जो waves होती हैं, taller wavelengths जो होती हैं, उनको क्या कहा जाता है, destructive waves कहा जाता है, ठीक है। आपसे पूछ सकते हैं कि what are the destructive waves और define the destructive waves, तो आप कैसे define करोगे, the waves which causes a great deal of destruction in the coastal region having a high wavelength and it can travel greater distance are known as destructive waves. At times rock falls, ice falls or underwater landslides or slumps can generate displacement of water or create a tsunami. ठीक है, सुनामी कैसे आता है बेटा? सुनामी जब आता है तो उसमें जो है वो रॉक फॉल्स भी होते हैं, ठीक है, पर्वत भी गिर जाते हैं, इतना ज़्यादा पावरफुल सुनामी आता है, आइस फॉल भी होता है और अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स और स्लम्स कैन जनरेट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वो अपनी जगह से जो है वो थोड़ा सरक जाते हैं या फिर डैमेज हो जाते हैं, ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट यानी एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, उसको डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। तो आइस जो है वो और रॉक्स अपनी जगह से दूसरी जगह पे डिस्प्लेस हो जाती है और स्लम्स और लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं, ठीक है। तो दिस ऑल ऑफ थिंग्स ऑफ वाटर टू क्रिएट अ सुनामी, ठीक है, तो सुनामी को क्रिएट होने के लिए ये सारी चीज़ें जो है वो होती है, मतलब ऐसी चीज़ें जब होती है तब भी जो है वो सुनामी आ जाता है, मीन्स रॉक फॉल होता है तब भी सुनामी आता है, आइस फॉल, अंडर वाटर स्लाइड्स और स्लम्स आते हैं तब भी, दे ऑल्सो कैन जनरेट अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, तो इसमें जो है वो वाटर का डिस्प्लेसमेंट होता है, तो इस वजह से भी जो है वो सुनामी क्रिएट हो जाती है। नाउ फ्लड, फ्लड मीन्स क्या होता है, बाढ़ आ जाना, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो ये बारिश की वजह से होता है, तो नेचुरली डिज़ास्टर, ये भी नेचुरली होता है, तो ये जो डिज़ास्टर है फ्लड, ये भी नेचुरल डिज़ास्टर में आता है। देर आर सम सीन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन ड्यू टू द फ्लड, ठीक है, तो ये हरिद्वार का सीन है, ठीक है, और ये आई डोंट नो किसका सीन है, बट यहाँ पे भी जो है वो बाढ़ आई हुई है या फ्लड आया हुआ है, तो उसके जो सीन्स आपको दिए गए और किस तरह से देखो डिस्ट्रक्शन हुआ है फ्लड की वजह से। सो द फ्लो ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर इन अ रिवर इज़ कॉल्ड फ्लड। देखो जब रेन होता है तो जो रिवर होता है उसमें एक्सेस वाटर का अमाउंट क्या कर जाता है, एक्सेस कर जाता है, तो फ्लो ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर इन अ रिवर इज़ कॉल्ड अ फ्लड। फ्लड अकर्स ड्यू टू टू रीजन्स, देखो दो तरह के रीजन से जो है वो फ्लड होता है, पहला तो ये रीज़न है हैवी रेन इन द अपर कोर्स ऑफ अ रिवर, ठीक है, रिवर के अपर कोर्स में जब हैवी रेन होता है, ठीक है, जहाँ पे रिवर मतलब रिवर बैंक वाले जो एरियाज़ होते हैं और कोस्टल एरियाज़ जो कि रिवर के साइड में रह रहे होते हैं लोग, उनको जो है वो ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैवी रेन हुआ है तो वहाँ पे जो है वो फ्लड क्रिएट होता है। एंड सेकंड रीज़न इज़ इफ़ अ डैम ऑन रिवर ब्रेक्स, ठीक है, मान लो कि रिवर किसी रिवर पे डैम, मोस्ट ऑफ रिवर्स पे जो है वो डैम बनाए जाते हैं, ठीक है, वाटर को स्टोर करने के लिए फॉर एग्रीकल्चरिंग, तो वो जो डैम होता है अगर वो मान लो कि किसी वजह से ब्रेक हो गया है, अनफॉर्चुनेटली वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो गया है किसी वजह से, तो उससे भी जो है वो वाटर सारा क्या हो जाएगा, फ्लड की तौर पे जो है वो एज अ फ्लड अकर होगा इन द लो लाइंग एरियाज, फिर लो लाइंग एरिया में क्या हो जाएगा, वो पानी जो है वो वहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा ऑन द रिवर बैंक, ठीक है, रिवर बैंक के जो लो लाइंग एरियाज होंगे वहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाएगा और वहाँ पे फ्लड अकर होगा। There are some things to know which you have to just read out these things, कि जो गंगा और यमुना जो नेम ऑफ द रिवर है और कहाँ पे जो है वो फ्लड अफेक्टेड एरिया है, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में जो है वो गंगा और यमुना नॉर्थ इंडिया में है, ठीक है, और ये फ्लड अफेक्टेड एरिया है और
एक फ्लड कहाँ पे आया था, फर्स्ट फ्लड 1978 में आया था, फिर मचाओ जो है और मच्छू ये मॉर्बी में है, ये 1979 में यहाँ पे फ्लड आया था। एंड तापी में जो है वो, तापी जो है वो रिवर है और ये सूरत में है, तो वहाँ पे भी जो है 2006 में फ्लड हुआ था। एंड कोशी इज़ रिवर ऑफ बिहार एंड वहाँ पे 2008 में जो है वो फ्लड हुआ था। तो देर आर सम रिवर्स एंड फ्लड अफेक्टेड एरिया एंड द ईयर व्हेन दे अफेक्ट द फ्लड। ओके, नाउ फेमिन। फेमिन कैसे होता है, सीन्स ऑफ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फेमिन। फेमिन यानी देखो कि इस तरह से जो बारिश कम होती है, ठीक है, रेन जो है वो बहुत ज़्यादा कम अमाउंट, बहुत ज़्यादा हो नहीं रही है, कम अमाउंट में, बहुत ही कम अमाउंट में रेन हो रही है, तो ये जो है वो जो सॉइल होती है आपकी वो इस तरह से जो है वो डैमेज हो जाती है, उसमें जो है वो दरारें जैसी पड़ जाती हैं। सो सेंटी सेंटी रेनफॉल डील्स टू द ड्राइंग अप ऑफ द ग्राउंड वाटर एंड शॉर्टेज ऑफ फूड एंड वाटर। ठीक है, स्केंटी रेनफॉल यानी बहुत ही कम रेनफॉल जब होता है, दैट लीड्स टू द ड्राइंग अप ऑफ द ग्राउंड वाटर। तो है ना, देखो रेनफॉल जब होता है तो उसमें जो है वो वाटर ग्राउंड में इकट्ठा हो रहता है, तो अगर रेनफॉल कम होगा, मतलब रेन जो है वो कम होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, ग्राउंड वाटर जो है वो ड्राई हो जाएगा। तो ग्राउंड वाटर ड्राई होने की वजह से या फिर शॉर्टेज ऑफ फूड एंड वाटर, तो वाटर और फूड का शॉर्टेज जब हो जाता है, तब जो कंडीशन होती है उस कंडीशन को फैमिन कहा जाता है। द कंडीशन ऑफ फैमिन अकर्स इन केस ऑफ स्केंटी रेनफॉल और नो रेनफॉल, या तो बहुत कम रेनफॉल हो रहा है या फिर बिल्कुल भी रेनफॉल नहीं हुआ है, 2 to 3 years, 2 to 3 सालों तक जो है सक्सेसिवली, यानी कि 3 सालों तक लगातार, अप्रोक्सीमेटली 3 years तक जो है वो सक्सेसिवली यानी कंटिन्यूसली किसी एरिया में रेनफॉल हुआ ही नहीं है, तो जो है वो देयर इज़ सम पॉसिबिलिटी ऑफ फैमिन इज़ लेस इफ़ वी प्लांट मोर ट्रीज। ठीक है, देखो फैमिन का पॉसिबिलिटी कब कम हो सकता है, जब हम ज़्यादा ट्रीज, देखो आपको सभी को पता है जो ट्रीज है इनवाइट दी रेनफॉल, वो क्या करते हैं, रेनफॉल को इनवाइट करते हैं। अगर वहाँ पे जिस एरिया में जो मान लो कि रेनफॉल नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे जो है वो डेफिनेटली ट्रीज़ का जो अमाउंट रहता है, प्लांट किया हुआ ट्रीज़ होते हैं, वो बहुत ही कम होंगे या फिर बिल्कुल भी ट्रीज़ वहाँ पे होंगे नहीं। सो यू हैव टू, और वी हैव टू जस्ट प्लांट मोर ट्रीज़ टू मेक पॉसिबिलिटी ऑफ फैमिन इज़ लेस। ठीक है, तो फैमिन का पॉसिबिलिटी कब लेस होगा, जब जो है प्लांट जो है वो हम ज़्यादा ग्रो करेंगे तब। नाउ साइक्लोन। साइक्लोन जो है वो आई थिंक लास्ट तो नहीं है, बट साइक्लोन जो है वो एक और नेचुरल डिज़ास्टर है। साइक्लोन कैसे होता है बेटा, द सिंपल मीनिंग ऑफ साइक्लोन इज़ एयर विच ब्लोज एट अ ग्रेट स्पीड। ठीक है, ग्रेट स्पीड के साथ जब एयर ब्लो करता है तो उसको, और राउंड राउंड ब्लो करता है, सर्कुलर मोशन में ब्लो करता है, तो उससे जो उसको जो जो प्रोसेस होती है, और सिंपल मीनिंग ऑफ दैट प्रोसेस इज़ नोन एज साइकिल। द सिंपल मीनिंग ऑफ साइक्लोन इज़ एयर विच ब्लोज एट अ ग्रेट स्पीड, इट कैन बी कॉल्ड अ स्टॉर्म और विल्ड विंड। ठीक है, यानी कि गोल गोल घूमने वाली विंड जो होती है, विल्ड विंड, और स्टॉर्म जिसको बोलते हैं आंधी। ठीक है, तो आंधी आना या फिर गोल गोल घूमना एयर का, विल विंड, ये जो होता है तब उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, साइक्लोन। द कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस साइक्लोन एवरी ईयर। जो भी कोस्टल एरियाज होते हैं इंडिया के, उनमें जो है वो हर साल जो है वो साइक्लोन आता ही है। द ईस्टर्न कोस्ट especially experiences in it every year। ठीक है, तो ईस्टर्न जो कोस्ट होते हैं वो, उनमें हर साल जो है वो इस तरह का साइक्लोन देखने को मिलता है। द एडजसेंट रीजन्स ऑल्सो फील द इफेक्ट ऑफ साइक्लोन। देखो एडजसेंट यानी जस्ट अपोजिट एरियाज जो होते हैं वो एडजसेंट रीजन कहे जाते हैं, तो उस पर भी जो है वो अगर मान लो कि ईस्टर्न कोस्ट में साइक्लोन आया है, तो वेस्टर्न कोस्ट में भी जो है वो उसका अफेक्ट देखने को मिलेगा। सो एडजसेंट एरियाज ऑल्सो फील द इफेक्ट ऑफ साइक्लोन वैन इट इज़ एट इट्स हाइएस्ट इंटेंसिटी। मान लो कि जब हाइएस्ट इंटेंसिटी के साथ अगर मान लो कि साइक्लोन हो रहा है, तो उसका अफेक्ट एडजेसेंट रीजन पे देखने को मिलता है। मान लो अब कि उसका इंटेंसिटी कम है साइक्लोन का, तो जो है वो एडजेसेंट रीजन पे आपको साइक्लोन का इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। अदरवाइज देर इज़ अ इफेक्ट ऑफ हाइएस्ट इंटेंसिटी ऑफ साइक्लोन।
However, these winds affect a limited area for a limited period of time only. तो इस तरह के winds जो होते हैं वो limited area में ही होते हैं और limited period of time के लिए होते हैं, मतलब बहुत time तक cyclone नहीं रहता और सारे area में जो है वो cyclone नहीं रहता. There are some scenes of cyclone. ठीक है, cyclone कुछ इस तरह से आता है. देखो वो पेड़ भी गिर जाते हैं, ठीक है, trees जो होते हैं वो गिर जाते हैं. मान लो कि उनकी जो root होता है वो strong नहीं होता तो वो भी जो है वो cyclone की वजह से गिर जाते हैं, fall हो जाते हैं. Now the forest fire. Forest fire is another natural disaster. So there are some scenes of forest fire. Friction between the dry branches of trees. देखो कुछ पेड़ जो होते हैं वो फॉरेस्ट में, बहुत सारे ऐसे पेड़ होते हैं जिनकी ब्रांचेस जो होती हैं वो सूख जाती हैं. तो इस तरह के जो मान लो कि दो ट्रीज़ हम ले लेते हैं, उनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो ड्राई होती हैं और उनके बीच में फ्रिक्शन क्रिएट होता है. सो एंड अदर फैक्टर्स कोज द फॉरेस्ट फायर. और भी कई सारे फैक्टर्स जो होते हैं उनकी वजह से फायर जो होता है वो कॉज होता है. एंड इट कॉजेज अ ग्रेट अमाउंट ऑफ डैमेज टू द फॉरेस्ट रिसोर्सेज. और इसकी वजह से जो है वो ग्रेट डैमेज होता है फॉरेस्ट रिसोर्सेज में. इवन जो फॉरेस्ट एनिमल्स जो होते हैं उनको भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है फॉरेस्ट फायर की वजह से. नाउ लैंडस्लाइड. लैंडस्लाइड कैसे होता है बेटा? सीन ऑफ लैंडस्लाइड, द स्लाइडिंग ऑफ लार्ज मास ऑफ रॉक मटीरियल. देखो रॉक मटीरियल होता है और सॉइल मटीरियल होता है जो भी हमारे मतलब अर्थ के अंदर में, तो उसका जो स्लाइडिंग होता है लार्ज मास का में स्लाइडिंग जब होता है डाउन द साइड ऑफ अ माउंटेन, माउंटेन की साइड से और अ क्लिफ इज़ टर्म्ड एज लैंडस्लाइड, उसको लैंडस्लाइड कहा जाता है. ठीक है, कुछ इस तरह से देखो लैंडस्लाइड होता है. नाउ टू फैक्टर्स कोज लैंडस्लाइड, एक्सेसिव रेनफॉल और एन अर्थक्वैक. ठीक है, तो एक्सेसिव यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में रेनफॉल होता है और अर्थक्वैक जब होता है तब जो है वो लैंडस्लाइड होता है. तो अर्थक्वैक और वोल्केनो की वजह से कौन सा नेचुरल डिज़ास्टर होता है? तो सुनामी होता है. ठीक है, एंड सेकंड जो है वो ये लैंडस्लाइड किसकी वजह से होता है? एक्सेसिव रेनफॉल की वजह से होता है और अर्थक्वैक की वजह से जो है वो लैंडस्लाइड हो सकता है. नाउ फॉर एग्ज़ाम्पल इन रेनी सीजन द रेलवे ट्रांसपोर्टेशन इन कोंकण गेट्स ऑब्स्ट्रक्टेड ड्यू टू द लैंडस्लाइड. ठीक है, तो एक एग्जांपल है लैंडस्लाइड का कि रेनी सीजन में जब रेलवे ट्रांसपोर्टेशन हुआ था इन कोंकण में तो उसकी वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन हुआ था ड्यू टू लैंडस्लाइड. नाउ देर आर सम एक्सरसाइज क्वेश्चन विच आई विल सेंड टू यू बाई टमोरो. So please revise all the videos of this lecture. Okay, so you have to just remember all the natural disaster and their effects and why they are causes. Okay, and how they are causes and what other natural disaster are the reason for another natural disaster. जैसे कि मान लो कि अब सुनामी आपने देखा था, ये एक नेचुरल डिज़ास्टर है बट ये दूसरे नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से होता है. मान लो कि अगर अर्थक्वैक और वोल्केनिक इरप्शन नहीं होगा तो सुनामी भी नहीं होगा, क्योंकि सुनामी जो है वो वोल्केनिक इरप्शन और अर्थक्वैक की वजह से होता है. सिमिलरली जो लैंडस्लाइड आपने लास्ट में देखा वो किसकी वजह से होता है? एक्सेसिव रेनफॉल और अर्थक्वैक की वजह से होता है. मान लो कि अगर एक्सेसिव रेनफॉल नहीं होता है, अर्थक्वैक भी नहीं होता है, तो देर इज़ नो वे टू अकर लैंडस्लाइड. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय.